हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब ओ एच पी तो आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ओ एच पी यानी ओ एच पी क्या है एन ओ एच पी यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर लाइक ए फिल्म और स्लाइड प्रोजेक्टर यूज लाइट टू प्रोजेक्ट एन इन लार्ज इमेज ऑन ए स्क्रीन यानी एक फिल्म और स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह दिखता है जो स्क्रीन में बड़े इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए लाइट का यूज करते हैं अलाउिंग द व्यू ऑफ ए स्मॉल डॉक्यूमेंट और पिक्चर टू बी शेयर विद ए लार्ज ऑडियंस यानी ए छोटे डॉक्यूमेंट और पिक्चर को बहुत ज्यादा ऑडियंस में शेयर करने के लिए भी अनुमति देता है इन द ओ एच पी दोर्स ऑफ द इमेज इज ए पेज साइज सीट ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म विथ द इमेज टू बी प्रोजेक्टेड आई प्रिंटेड और हैंड रिटेन यानी ओ एच पी में इमेज का जो सोर्स है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म के एक पेजेस आकार की सीट है और जिस इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है वो प्रिंटेड या हैंड रिटन होता है दिच आर प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेटन ऑफ द प्रोजेक्टर हुई हैच ए लाइट सोर्स बिलो इट एंड ए प्रोजेक्टिंग मिरर एंड लेंस असेंबली एब इट यानी उन्हें प्रोजेक्टर के ग्लास प्लेटन में प्लेस किया जाता है और उसके नीचे लाइट सोर्स रहते हैं और उसके ऊपर प्रोजेक्टिंग मिरर और लेंस रहते हैं प्रोजेक्टिंग मिरर और लेंस जहाँ रहते हैं उसे ओवरहेड कहा जाता है यानी ओ एच पी जो होता है वो ठीक इसी तरह से दिखता है और इसी तरह से ओ एच पी कोई भी इमेज को प्रोजेक्ट करने की बात सभी ऑडियंस दूर से भी इसे देख सकता है ओ एच पी लेंस कम इन थ्री डिफरेंट वेरिएशन सिंगलेट डॉबलेट एंड ट्रिपलेट यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर की जो लेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं एक होता है सिंगलेट दूसरा होता है डॉबलेट और होता है ट्रिपलेट द इमेज प्रोजेक्टेड विल गेट sharper as your योर लेंस क्वालिटी इनक्रीजेस जब आप प्रोजेक्ट की जो इमेज क्वालिटी है उसे और भी सार्फ करना चाहते हो तब लेंस की जो क्वालिटी है उसे बढ़ाना पड़ता है सिंगलेंट इज द मोस्ट बेसिक यानी सिंगलेंट लेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है और ट्रिपलेट इज मोस्ट एडवांस और ट्रिपलेट लेंस जो होता है वह बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं दे वे आर वाइडली यूजड इन एडुकेशन एंड बिजनेस बिफोर द एडवेंट ऑफ वीडियो प्रोजेक्ट यानी ओ एच पी को वीडियो प्रोजेक्टर्स के पहले एडुकेशन और बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था तो ये था ओ एच पी क्या है उसके बाद अगला क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ ओ एच पी यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या हिस्ट्री होते हैं फ्रेंच फिजिक्सट एडमॉन्ड बिक्यूरल डेवलप्ड द फर्स्ट नोन ओ एच पी ऑपरेटर्स इन 1853 यानी 1853 में ओ एच पी उपकरण को पहली बार फ्रेंच फिजिक्स्ट एडमॉन्ड बिक्यूरल ने डेवलप्ड किया था इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट मेकर एंड इन्वेंटर जूल्स डूबोक्स इन एटीन सिक्सटी सिक्स और इन्हें फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट मेकर और इन्वेंटर जूस डुबोक्स ने 1866 पर प्रदर्शित किया था तो ये था हिस्ट्री ऑफ ओ उसके बाद अगला क्वेश्चन एडवांटेज ऑफ ओ एचपीएचपी का क्या एडवांटेज होते हैं पहला पॉइंट है इट इज इनएक्सपेंसिव यानी ओएचपी कम महंगा होते हैं उसके बाद अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी इज वेरी सिंपल यानी ओ का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल होता है उसके बाद अगला पॉइंट इट नीड्स वेरी लेस मेंटेनेंस यानी ओ को कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है उसके बाद अगला पॉइंट इट कंज्यूम्स वेरी लेस पावर यानी ओएचपी बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं उसके बाद अगला पॉइंट इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू ऑपरेट यानी ओ को बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है उसके बाद अगला पॉइंट इट कैन बी यूज विदाउट कंप्यूटर और लैपटॉप यानी ओ को कंप्यूटर या लैपटॉप के बिना भी यूज कर सकते हो उसके बाद अगला पॉइंट इट इज बेटर देन चॉक बोर्ड यानी ओ एच पी चॉकबोर्ड से बेटर है क्योंकि चॉकबोर्ड में क्या करना पड़ता है लिखना पड़ता है लेकिन ओ में इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है इसलिए जो टाइम है वो कम जाता है उसके बाद अगला पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन यूज एगेंट एन एगेन यानी प्रेजेंटेशन को ओ एच पी में बार बार यूज कर सकते हो उसके बाद अगला पॉइंट हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद ट्रांसपेरेंसी पेन यानी ओ एच पी में ट्रांसपेरेंसी पेन द्वारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसे हाईलाइट कर सकते हो उसके बाद अगला पॉइंट द ट्रांसपेरेंसी सीट व्हिच आर यूज इन दिस प्रोजेक्टर आर आल्सो वेरी चीप यानी ओ में जो ट्रांसपेरेंसी सीट यूज किया जाता है वो भी बहुत सस्ता होता है तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ ओ यानी ओ एच पी का क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं पहला पॉइंट है ओ एच पी इच बाल्की एंड हैवी टू ट्रांसपोर्ट यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है उसे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही भारी होता है उसके बाद अगला पॉइंट है इट नीड्स सुइटेबल फ्लैट सर्फेस यानी ओ एच पी के लिए एक सुइटेबल फ्लैट सर्फेस की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद अगला पॉइंट इट यूजेस द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू कीप यानी ओ एच पी में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट का यूज होता है इसे रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके बाद अगला पॉइंट ओल्डर भारसन आर नॉइजी यानी ओ एच पी का जो ओल्डर भर्सन है वो बहुत ही शोर करता है उसके बाद अगला पॉइंट लिमिटेशन ऑन रूम एंड ऑडियंस साइज यानी ओ एच पी में रूम और ऑडियंस साइज की एक लिमिट होता है उसके बाद अगला पॉइंट ए ब्लोन बल्ब और पावर फेलुएर कैन स्पॉयल ऑल योर हार्डवर्क यानी ओ एच पी में ब्लोन बल्ब की यूज होते हैं इसलिए ओ एच पी में जब ब्लोन बल्ब और पावर फेल हो जाता है तब जो आप हार्डवर्क किए हो वो सब नष्ट हो जाता है उसके बाद अगला पॉइंट है इमेज क्वालिटी कैन ऑल्सो बी प्रॉब्लम यानी ओ में इमेज की जो क्वालिटी है वो हमेशा प्रॉब्लम करता है तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ ओ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप प्रोजेक्टर क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना और इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट right वाली वीडियो पर क्लिक करना और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना